और वहीं दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ने मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून का मौसम आ गया है। कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है। लेकिन आप रास्तों को देख पा रहे हैं, सड़कों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी से लबालब यहां पर सड़कें नजर आ रही है। यातायात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन बारिश के साथ ही इन शहरों का हाल भी बेहाल होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां बीते कुछ घंटों से हुई बारिश ने वहां जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। वहां जो ट्रैफिक है वो दिखाई दे रहा है, सड़कें लबालब भरी। देश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं, जो मौसम विभाग के डीजी हैं। सर, मौसम विभाग की क्या अनुमान है, किन किन राज्यों तक ये मानसून जो है पहुंचा है अभी? जैसे हमने पहले पूर्वानुमान किया था, ऐसे मानसून अभी एक्टिव होते हुए आगे बढ़े हैं और पास्ट 24 आवर्स में मानसून एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ साथ मुंबई में मानसून आ चुके हैं, दिल्ली में भी मानसून आ चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सा में भी मानसून आ चुके हैं। जैसे आप बारिश बादल देख रहे हैं, यहाँ पूरा सेंट्रल इंडिया में बादल भरे हुए हैं और वेस्ट इंडिया में बादल भरे हुए हैं। और जो पूर्वानुमान है, अगले 2 दिन में गुजरात, राजस्थान का और कुछ हिस्सा, सिमिलरली पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून आ जाएगा। एंटायर जम्मू में भी मानसून आ जाएगा। सर, मुंबई में क्या मानसून समय पे आया है? काफी ज्यादा बारिश हो रही, कितनी रिकॉर्ड की गई वहां पर बारिश? और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश काफी हुई है। मुंबई में तो मानसून लेट हुआ है, एक्चुअली मानसून 12 तारीख के आसपास आना चाहिए, मगर इस बार मानसून आ जाएगा, सो इसलिए 10-12 दिन मानसून डिले हुआ मुंबई में। मगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो नॉर्मल डेट होता है 29 जून, और इस बार 25 जून में मानसून आ गया है, यानी 4 दिन पहले आया है। मगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 5 दिन इधर उधर होता है। तो आधे हिंदुस्तान पर जमकर आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर हरियाणा तक पानी का प्रहार देखा जा रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के मुंबई, सोलापुर, जम्मू कश्मीर के पुंछ, रामबन, गुजरात के खेड़ा, दाहोद और हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें और देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तेज बरसात की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। सबसे पहले गुरुग्राम, हरियाणा की तस्वीर देखिए, जहां पर घुटनों तक पानी के बीच में होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल मुंबई में देखने को मिला, जहां सड़कों पर लबालब पानी भरा नजर आया। अहमदनगर महाराष्ट्र में तो मानो चौतरफा पानी ही पानी दिखाई दे रहा, और टापू में तब्दील होता इलाका नजर आया। गुजरात और आसाम की भी ऐसी ही तस्वीरें। महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत, जम्मू कश्मीर में बारिश से नदी में उफान, मकानों में भरा पानी, लोग परेशान। देश भर में मौसम ने करवट ली और कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। मुंबई में भारी बारिश ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। वहां इतना पानी बरसा कि कई सड़कें दरिया बन गईं और पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें हुई और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते दिखे। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को मजबूरी में पानी से ही गुजरना पड़ा। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मानसून से पहले हुई भारी बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए। वहां इतना पानी भरसा कि सड़कें पूरी तरीके से तालाब बन गईं, तो कई जगहों पे लोगों के मकानों में पानी भर गया।
सोलापुर में भारी बारिश से सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं, जिसकी वजह से दफ्तर जाने के लिए निकले लोग सड़क पर ही फंस गए। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पुंछ के सुरनकोट में आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 100 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपने घरों का सामान भी सुरक्षित जगहों पर ले जाने का मौका नहीं मिला। शहर के बीच बने नाले में उफान आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद रामबन के बघलियार डैम के कुछ फाटक खोल दिए गए, जिस वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का बहाव तेज होने से आसपास कटान भी हो रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई है। उधर चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी। गुजरात के दाहोद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नदी में तेज बहाव की वजह से रेत लेने गया एक ट्रक फंस गया, और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग रस्सी के सहारे से नदी में फंसे लोगों को निकालते दिखाई दिए, क्योंकि ये लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और एक एक कर सभी मजदूरों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, तब जाकर सभी लोगों की जान बची। इस दौरान नदी में पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा था। गुजरात के खेड़ा में भी मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। नडियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास ब्रिज के नीचे भी बारिश का पानी भर गया। इस दौरान एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास के नीचे फंस गई, जिसे लोगों की मदद से निकाला गया। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देश भर में कई जगह भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें आपने देखी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, गुरुग्राम को साइबर सिटी हम कहते हैं, लेकिन मॉनसून से पहले ही जब बेमौसम की भी बरसात होती है तो हम देखते हैं कि साइबर सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में जब मॉनसून की बरसात शुरू हो चुकी है, साइबर सिटी गुरुग्राम का क्या हाल है इस वक्त, किस तरह की तस्वीरें? मैं आपको सीधी तस्वीरें ही दिखा देती हूँ। देखिए, गुरुग्राम का ये नरसिंहपुर है, जहाँ पर नेशनल हाईवे से लगी ये पूरी सड़क पानी में अगर कहें जलमग्न हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा। देखिए, बाइक जो जा रही है उससे थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि कितना पानी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर इस वक्त 10 पंप लगे हुए हैं, सुबह से यहाँ पर 10 पंप लगे हुए हैं, जिनसे पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर लगातार भरा हुआ है। एक कारण हमें बताया गया है कि जो पूरे सेक्टर्स रेजिडेंशियल इसके पीछे हैं, उनमें ढलान की जगह यही है, इसीलिए आधे घंटे की बारिश भी ये इलाके नहीं झेल पाते हैं। वहां पर आप वो बोरियां देखेंगे, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये बोरियां आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं। पूरे रास्ते को मैं अपने कैमरा पर्सन जयपाल रावत को कहूंगी आपको एक बार पूरा पैन करके दिखाएं, तो जहां तक आपकी नजर जा रही है इस साइड की सड़क में जल भराव है, पानी पूरा भरा हुआ है। जिस शख्स को आप खड़े हुए नजर देख रहे हैं उसकी बाइक खराब हो गई है, बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है, इसके आगे आपको नजर आएंगे ट्रक खराब हो गए हैं, और उसके साइड में भी आप देखें कि पंप लगे हुए हैं पानी की निकासी के। लेकिन मानसून की ये पहली बारिश है, आज मानसून की पहली बारिश दिल्ली एनसीआर में, जो कि अब भी ड्रिजलिंग अगर मैं कहूँ तो कहना सही होगा। लेकिन हालात इस तरीके के, गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जल भराव नरसिंहपुर में हो रखा है, और इस पूरी सड़क में यहाँ पर किसी के लिए भी जो भी यहाँ पर आ रहा है, या तो उनके वाहन खराब हो जा रहे हैं या यहाँ से निकलते ही उनके लिए सिचुएशंस खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल प्रियंका।